हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो वीडियो में हम लोग लेक्चर लेके आने वाले हैं, बेसिकली 10th स्टैंडर्ड के लिए होने वाला है। और जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने पिछले साल जब 10th का एग्जाम था ना, उसके कुछ दिन पहले, एक दो हफ्ते पहले, सारे लेक्चर्स को वन शॉट डाला था। तो उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आपके चैनल को बहुत लेट फाइंड किया, आपको पहले वीडियो जल्दी डालना चाहिए था। और अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले ना, पिछले 4 साल से मैं 10th को पढ़ाते आ रहा था, बट क्योंकि अभी मेरा जो पढ़ाई है कम्प्लीट हो गया, अभी मैं जॉब पे हूँ, इस बार मैं कोई भी 10th का बैच नहीं रख रहा हूँ। तो उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं प्लीज रखो। तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा कि मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है ना, मैं ऑनलाइन स्टडी के थ्रू आपको कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा कि ना, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, ये तीनों चीज जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसके मोस्टली आपको सैटरडे और वेडनेसडे के हो सकते कि लेक्चर में अपलोड करूँ। और मैं एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा ताकि जब तक आपका 10th का एग्जाम आएगा तब तक आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी लेक्चर के अपडेट्स मिस ना हो। और जो भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसको पूरी तरीके से फॉलो करना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट आपको आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ऑल माई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो आप सभी की स्कूल खुल गई होगी और एक वो 10th में आने की फीलिंग होगी ना, वो भी आप लोग को मिल गया होगा। और साथ में साथ जो जो भी अड़ोस पड़ोस या फिर घर वाले बोलते कि 10th है पढ़ाई करो, टीचर्स बोलते 10th है पढ़ाई करो, तो वो फेज में अभी आप चल रहे होगे। और जैसे कि अभी आपका स्कूल खुला है, बहुत जल्द आपका यूनिट टेस्ट भी आ जाएगा और सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी होगी ना, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग टाइम पे पढ़ाई करो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पहला चैप्टर, जो कि हो सकता है आपके स्कूल में भी स्टार्ट किया होगा, जो कि लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल। अभी इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन के बारे में पहले ही आप लोगों ने पढ़ा है 7th में 8th में 9th में, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूँ तो एकदम बेस में सारी चीजें वो क्लियर करके पढ़ाता हूँ। तो हम लोग पहले इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, एक होता है कॉन्स्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो कभी चेंज ही नहीं होता, डू नॉट चेंज। और वेरिएबल क्या है, इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, x+5=4। तो यहां पे अगर मैं 4 नहीं लिखू ऐसे ही, तो यहां पे मैं x की वैल्यू, ये देखो ये इक्वेशन है ना, ये x है ना मेरा, ये जो है ना एक्चुअली में वेरिएबल है, वहीं पे ये जो 5 है ना मेरा, ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं इक्वेशन में अगर x की वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो मेरा इक्वेशन का वैल्यू भी चेंज होने लगेगा। जैसे मैं अगर x की वैल्यू 1 अज्यूम करता हूँ तो क्या होगा, 1+5=6। x की वैल्यू अगर मैं 2 अज्यूम करता हूँ तो ये होगा 2+5=7। x की वैल्यू अगर मैं 0 अज्यूम करता हूँ तो ये होगा 0+5=5। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो वेरिएबल है ना, उसको तो हम लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट है वो 5 का 5 देखो यहाँ पे कांस्टेंट ही है। तो यही हमारा इक्वेशन होता है। अभी इक्वेशंस के अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे ये इक्वेशन के ऊपर में जो यहाँ पे चीजें होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और इसको रेस्टू बोला जाता है। जैसे ये x² है ना, तो ये इसको हम लोग x^2 भी बोलते हैं। अगर x^2 यहाँ पे समझो x^4 है, तो इसको हम लोग x^4 ही बोलते हैं। तो ये पावर के हिसाब से ना, हम लोग इक्वेशन को अगर क्लासीफाई करें, इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे, क्लासीफाई कर रहे बेस्ड ऑन पावर। तो पावर के हिसाब से अगर हम लोग इसको क्लासीफाई करें ना, तो सबसे पहला तो ये होता है लीनियर, फिर होता है क्वाड्रेटिक, और बाद में होता है हमारा क्यूबिक। तो लीनियर क्या होता है ना, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है ना उसका मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे कि समझो x+y=5, तो यहाँ पे देखो x की पावर कितना है, मैक्सिमम 1, y की मैक्सिमम पावर कितना है 1, क्योंकि x और y का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जहां पे x का पावर ना 2 हो, जैसे x²+x+5=0, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भले ही 1 है लेकिन मैक्सिमम कितना है 2 है ना, इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक सिमिलरली क्या होता है, x³+3x+5 कुछ भी ले लो, यहाँ पे देखो x का जो मैक्सिमम पावर है ना वो 3 है, इसलिए हम लोग उसको
क्यूबिक बोलते हैं। ये दोनों हम लोग को अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग मेनली जो फोकस करने वाले लीनियर इक्वेशन पे। अभी लीनियर इक्वेशन में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेरिएबल, अभी समझो एक मिनट, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। वाई प्लस फाइव इक्वल टू थ्री सॉरी जीरो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री में लिखू तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। लेकिन ये इन दोनों और इसमें फर्क क्या पता है, यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है सिर्फ एक्स है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है सिर्फ वाई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और यहीं से हमारा चैप्टर का नाम बनता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हम लोग चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सब में हम लोग को इस तरह के इक्वेशन ही मिलने वाले हैं, एक्स वाई ए बी एम एन पी क्यू अल्फा बीटा ऐसे ही कुछ तो इक्वेशन मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम हम लोग को दो ही वेरिएबल दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर का नाम है ये समझ में आ गया, इसके पीछे की जो थ्योरी क्या है कॉन्सेप्ट क्या है वो सारी चीज समझ में आ गई। अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। के लेक्चर में हम लोग 1.1 जो हमारा एक्सरसाइज है वो करने वाले और आपके स्कूल में भी स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक खोला होगा तो उसका पहला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कुछ बॉक्स बॉक्स आपको दिखेगा भरना रहेगा, तो वो जब मैं सिखा दूंगा ना तो वो आप लोग खुद से भी कर लोगे, तो वो आप लोग एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे फाइव भी आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग को दो इक्वेशन दिए, तो हम लोग हमेशा ना इक्वेशन वन और इक्वेशन टू कंसिडर करेंगे। आपको पूरे चैप्टर में ऐसे ही रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को ना वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल का बाजू का जो कोएफिशिएंट है ना वो सेम है कि नहीं। अभी कोएफिशिएंट क्या होता है समझो, यहाँ पे 5m लिखा है तो ये जो 5 है ना ये हमारा कोएफिशिएंट है और m तो हमारा वेरिएबल है, तो ये कोएफिशिएंट ना जैसे समझो अगर ये x है तो ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, अभी कुछ लोग बोलेंगे जीरो कुछ लोगों ने वन, एक्चुअली में इसका कोएफिशिएंट वन है। जनरली हम लोग 1x नहीं लिखते, उसको सिंपली x लिखते। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं a का वेरिएबल चेक करूंगा ना तो ये देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये सेम है क्या, नहीं है। b का मैं चेक करूंगा यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब सेम है। तो हम लोग को पहले तो देखना है कि सेम है कि नहीं, अगर सेम रहेगा तो हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, अगर सेम रहेगा तो पहले उसको सेव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अच्छा था हमारे लिए कि सेम था तो हम लोग डायरेक्टली अभी सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन से सेम नहीं होगा तो हम लोग उसको देखेंगे कैसे सेम किया जाता है। तो आप लोग को क्या चीज याद रखना है कि जब भी आपको जो वेरिएबल सेम है ना उसका साइन देखना है, इसका साइन क्या है प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस। तो जब भी आपको सेम साइन रहेगा ना तो हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर डिफरेंट साइन रहेगा ना, डिफरेंट साइन मतलब बेसिकली प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग उसमें ऐड करते हैं। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना है, अभी नोट कर लो, पूरे चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं। यहाँ पे सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये हो जाएगा a प्लस 5b इक्वल टू 22। माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस तो 3a में से a कितना गया 2a होगा, 5 में से 5 गया ये 0, और ये कितना हो गया 26 में से 22 गया तो 4। तो यहाँ से a 2 इधर का मल्टीप्लाई हो रहा है उधर का तो डिवाइड होगा, तो क्या होगा 4/2 जो कि होगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आई 2, a की वैल्यू 2 आई ना। अभी हम लोग को b निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी एक में आप लोग डाल सकते हो, समझो मैं 2 वाले में डाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। तो 2 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर क्या माइनस, तो 22 माइनस 2 हो जाएगा जो कि होगा 20, तो 5b 20 है तो b क्या आएगा 20 डिवाइड बाय 5 जो कि होगा 4। यहाँ से a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू 4 मिली। अभी जब भी आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना तो आप लोग क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व किया है वो राइट है कि नहीं। कैसे कर सकते हो,
जो हम लोग को आंसर आया ना उसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके, और हम लोग को देखना है कि राइट हैंड साइड वो भी आता है कि नहीं। ये आप लोग रफ में करना, कभी भी मतलब सॉल्यूशन वाले पार्ट में मत करना। ये देखो टू है ना, तो हम लोग क्या करते हैं थ्री इधर टू को डाल के देखते, और फिर बाद में फोर है तो बी के जगह पे फोर को डालते हैं, तो थ्री टू जा कितना होगा सिक्स, फाइव फोर जाए ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस सिक्स कितना होगा ट्वेंटी सिक्स, और यहाँ पे भी देखो ट्वेंटी सिक्स है, तो हम लोग का मतलब ये जो आंसर आया वो राइट है। फिर आप लोगों को क्या लिखना, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू फोर, समझा। तो ये आप लोग को लिख देना है लास्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको पहला सम समझा, अभी हम लोग सेकेंड सम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन वन कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन टू कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे एक्स का जो हम लोग को क्या चेक करना है, कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है वन है, तो एक्स का तो सेम है नहीं, वाई का भी सेम नहीं है, तो हम लोग किसी एक का सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ एक्स को सेम करता हूँ, सेम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर ये वन है तो वन को मुझे थ्री बनाना पड़ेगा, तो वन को थ्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री। और आप लोग को याद रखना है कि जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं सिर्फ इसको कर दिया बाकी ऐसे छोड़ दिया, तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या जाएगा थ्री इंटू वन थ्री, तो ये जाएगा थ्री एक्स, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, तो ये जाएगा ट्वेंटी वन वाई, और ये टेन थ्री जा कितना हो जाएगा थर्टी, तो ये हो जाएगा थर्टी। इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन थ्री। अगर आप लोग चाहो तो वाई को भी सेम कर सकते हो, वाई को सेम करने के लिए टू और सेवन में कॉमन क्या होगा फोर्टीन होगा, तो आप लोग क्या करो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सेवन से कर दोगे, तो वहां पे आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया था कि मेरा एक बार ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाए। अभी हम लोग इक्वेशन टू और थ्री को देखते हैं। तो यहाँ पे थ्री एक्स का साइन क्या है प्लस है, इसका ही प्लस है। जब भी मैंने क्या बोला, जब भी आपको सेम साइन दे रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसमें हम लोग कर रहे हैं हाँ ये टू फ्रॉम थ्री, थ्री में से हम लोग टू को माइनस करते, तो क्या होगा थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन वाई इक्वल टू थर्टी, ये होगा थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन। अगर आप लोग चाहोगे तो मैंने टू में से सॉरी थ्री में से टू को माइनस किया ना, आप लोग थ्री में से टू को भी माइनस कर सकते हो, तो भी मतलब टू में से थ्री को भी माइनस कर सकते हो तो भी आपको सेम ही आंसर आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के वजह साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, थ्री में से थ्री गया जीरो ट्वेंटी वन और ये प्लस हो गया ना, तो अभी हम लोग ये माइनस को नहीं देखेंगे, ये प्लस वाले साइन को देखेंगे, तो ट्वेंटी वन और टू कितना होगा ट्वेंटी थ्री, तो होगा ट्वेंटी थ्री वाई और ये होगा माइनस करेंगे ट्वेंटी थ्री, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आएगा ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी थ्री, जिसका आंसर कितना आएगा वन। अभी हम लोग क्या करते पुट कर देते, पुट वाई इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू में हम लोग पुट करते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टू इंटू वन इक्वल टू सेवन, तो जगह थ्री एक्स टू वन जा टू, ये सेवन टू इधर माइनस हो रहा उधर गया प्लस, थ्री एक्स इक्वल टू सेवन प्लस टू जो कि होगा नाइन, थ्री एक्स वन आई एक्स इक्वल टू नाइन बाई थ्री। ये मैं बेसिक अलजेब्रा यूज कर रहा हूँ जो आप लोगों ने सेवन एट तक पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या है एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू वन, तो आप लोग ऐसा लिख देना, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू वन। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ना सिमिलरली पहले के जैसे ही, तो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। अभी हम लोग फोर देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन वन लेंगे, इसको इक्वेशन टू। अभी हम लोग यहाँ पे किसी एक को सेम कर सकते हैं, मतलब एम के अगर कोई क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे वन है, एन की थ्री और ये सिक्स है, तो हम लोग एम को सेम करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय फाइव, तो क्या आ जाएगा फाइव एम सिक्स फाइव थर्टी एन और सेवन फाइव होगा माइनस थर्टी फाइव। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन थ्री। अब यहाँ पे दोनों का मैं साइन देखूंगा तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मैंने कहा जब भी सेम साइन रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम वन, तो वन में से हम लोग थ्री माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइव एम माइनस थ्री एन इक्वल टू नाइनटीन, और ये क्या हो जाएगा फाइव एम माइनस थर्टी एन इक्वल टू यहाँ पे माइनस थर्टी फाइव। माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो फाइव फाइव तो गया। अभी थर्टी में से ये प्लस को आप लोग कंसिडर करेंगे, ये माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, थर्टी में से थ्री गया तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एन,
और 35 ये भी प्लस को कंसिडर करेंगे, 35 और 19 कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ से एन क्या होगा 54 डिवाइड बाय 27 और ये कितना दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन कितना मिला 2। तो क्या करेंगे पुट एन इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते, समझो 2 वाले में डालता हूं मैं, तो क्या होगा एम माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 7। आप लोग किसी में भी जब भी आप लोग पुट करोगे ना तो कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर आएगा। तो एम क्या होगा एम माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7, ये इधर माइनस और उधर गया तो प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस 12 जो कि यहाँ पे होगा 5। एम का वैल्यू कितना है हम लोग को 5 और एन का वैल्यू 2, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैसे, 5 डालो तो 5 जाए 25 और यहाँ 2 डालेंगे 3 2 जाए 6, तो 25 में 6 गया 19, देखो यहाँ पे भी 19 है, मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन को राइट किया। आई होप आपको अभी तक इतना समझा है। जो क्वेश्चन है ना फिफ्थ वाला वो आप लोग एज होमवर्क ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग 6 पे मूव करते हैं, तो 6 में देखो हम लोग को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको देख के आपको डरना नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बहुत लोग पहले सोच देते हैं अरे ये तो करना नहीं है, आपको फ्रैक्शन से उतना कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हम लोग इसको क्या करेंगे सिंपली सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जो बचपन से सीखते हैं वही तो करना है। तो क्या हो जाएगा ये होगा 1x मतलब x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3y अपॉन 3 इक्वल टू 10 अपॉन 3। अभी देखो डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिनको ये नहीं समझा तो वो लोग क्या करते होंगे 3 इधर डिवाइड हो रहा उधर क्या मल्टीप्लाई, उधर भी जाके वो कैंसिल आउट होने में, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। यहां से हम लोग इक्वेशन मिला एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे भी देखते 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8x प्लस 1y इक्वल टू 4, यहाँ पे भी 11/4, तो ये 4 4 फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 8x प्लस y इक्वल टू 11, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 2। और अगर अभी तक जो भी मैंने आपको चैप्टर ये लेक्चर में पढ़ा है वो समझा है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये जो क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करो, फिर बाद में देखना मिला के आंसर कि आपका सेम आता है कि नहीं। हम लोग प्लीज पॉज करो और खुद से सॉल्व करना। अभी हम लोग आई होप आपने खुद से सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग देखते कि इसको कैसे करते हैं जिनको नहीं आया होगा उनके लिए। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कोएफिशिएंट चेक करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ये भी सेम नहीं है, तो हम लोग किसी एक को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 को सेम कर देता हूँ, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो क्या जाएगा 8 3 जा 24x 3 1 जा 3 और 11 3 जा 33, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 3। अभी इन दोनों का सेम हो गया, यहाँ पे साइन देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, मैंने क्या बताया जब भी सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 3y तो गया बचेगा 24 में से 1 गया तो 23x और 33 में से 10 गया तो ये भी 23, तो यहाँ से x क्या बचा 23 डिवाइड बाय 23 जो कि होगा 1। अभी क्या करते हैं पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन हम लोग डाल सकते हैं, समझो फर्स्ट वाले में डाल दिया तो क्या जाएगा 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, 1 इधर प्लस हो रहा है उधर क्या माइनस, 10 में से 1 गया 9, तो 3y 9 है तो y क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 3 जो कि होगा यहाँ पे 3, तो ये हम लोग को यहाँ पे आंसर मिला x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशन में डाल के, जैसे 8 1 जाए 8 और यहाँ पे 3 8 3 कितना 11, मतलब हमारा आंसर राइट है। और आई होप जब आपने वीडियो पॉज करके खुद से किया था तो आपका भी यही आंसर आया था। अभी ये जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, जब भी आप लोग पार्शल के क्वेश्चंस के पेपर उठा के देखोगे लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारी चीजें कराऊंगा जो भी पिछले सालों के कुछ पेपर्स में आए वो सारे सम। तो अभी ये देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन की खासियत क्या होगी पता है, अगर आप लोग इसको नॉर्मल मेथड से करने जाओगे ना लाइक मल्टीप्लाई वगैरह करके तो फंस जाओगे और ये सॉल्व ही नहीं होगा, इसको करने का एक अलग तरीका है जिसको हम लोग अभी देखने वाले। पहले तो ये क्वेश्चन को पहचानना कैसे, इसके जो कोएफिशिएंट है ना समझ लीजिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट रहेगा ना वो यहाँ पे y का रहेगा, ये देखो यहाँ पे 99 है x का और y का 99, जो y का रहेगा ना वो x का रहेगा, यहाँ पे 101 है यहाँ पे भी 101 है। तो ऐसे में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में और एक सम दिया है, इसको कराने के बाद आप लोग वो आठ वाला खुद से घर पे करना। अभी ये देखो
इसको हम लेंगे इक्वेशन वन, इसको लेंगे इक्वेशन टू। अभी ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ऐड, यही मेथड है इसका, और कोई मेथड नहीं है, ऐसे कर रहे हम लोग। ऐड इक्वेशन वन एंड टू, ऐड करने से क्या होगा 99x, ये 101y, ये 499, ये क्या हो जाएगा 101x 99y 501, ऐड करेंगे सब प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 101 में 99 जोड़ोगे तो 200, ये भी क्या हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 1000। अभी देखो ये पूरा का पूरा 200 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय 200, देखिए आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये होगा हमारा इक्वेशन 3। बहुत बार ना आप लोगों को क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे ना, तो सिर्फ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछते हैं, तो वहां पे आपको इतने पे ही रुक जाना है, उसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरा सॉल्व करने के बोला एक्स और वाई की वैल्यू पूछे तो हम लोग पूरा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा 101x 99y 501, वो क्या हो जाएगा 99x 101y 499। अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, तो 101 में से 99 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, और यहाँ पे 101 में से 99 फिर से 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा 101 है और ये माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 2y, और इन दोनों को माइनस करें तो कितना होगा 2। तो यहाँ से हमारा सबका सबका 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 3 मिला इक्वेशन 4, अभी आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो फिर से वीडियो को पॉज करो, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है। तो आई होप आपने सॉल्व किया, और जो भी आंसर आता है अभी हम मिला जो मैं कर रहा हूं तो पता चलेगा। यहाँ पे देखो हम लोग का कोएफिशिएंट तो सेम ही है दोनों का, कोई भी एक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे अपोजिट साइन हो गया ना, अपोजिट साइन में हम लोग क्या कर देंगे सिंपली एड, एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स क्या मिलेगा 2x और 5 और 1 6, तो एक्स क्या मिलेगा 6 डिवाइड बाई 2 जो कि होगा 3। अभी क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 2, अरे बेवकूफ मत बनो, सिंपली हम लोग इसमें ही सॉल्व पुट करें, मैं क्या बोला था कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते ना, तो इसमें पुट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर करने जाओगे बहुत सारा मल्टीप्लाई ये सब दुनिया भर का करना पड़ेगा, हम लोग इसमें पुट करते थे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इधर प्लस हो रहा है उधर का तो माइनस, तो 5 में से 3 गया 2 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये हमारा आंसर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। इसको भी हम लोग चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 303, इसको y कितना 2 आया ना 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 2 जा 18 दोनों को जोड़ो 83 11 का 1 एन 110 का 0 3 1 4 5, देखो 501 आया ना, मतलब हमारा आंसर जो है 4 राइट है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना खुद से, और आई होप जो भी मैंने ये चीजें पढ़ाई आपको सारी चीज समझाई एकदम डेप्थ में आराम से समझाया वो सारी चीजें आपको समझा और मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।